पद्मावती फिल्म 25 जनवरी को आम लोगों के लिए रिलीज हो रही है। ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म को पहले दिन फिल्म 20-25 करोड़ तक की ओपनिंग मिल सकती है। पहले दिन अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद यकीनन आने वाले दिनों में फिल्म को ज्यादा दर्शक मिलेंगे। इसके अलावा शुक्रवार को गणतंत्र दिवस और फिर वीकेंड का फायदा भी फिल्म मेकर्स यकीनन उठाना चाहेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म पहले वीकेंड 4 दिन में 90-100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। आपको बता दें कि यह फिल्म शूटिंग के टाइम से ही राजपूत करणी सेना और अन्य हिंदू एवं राजनैतिक संगठनों के निशाने पर रही है। लंबी लड़ाई के बाद फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेट मिल पाया है, लेकिन इन सब विवादों का बावजूद फिल्म की कमाई पर ज्यादा असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। भारी मात्रा में लोग यह फिल्म देखने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। फिल्म के पोस्टर्स, ट्रेलर और गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। दर्शक रानी पद्मावती की कहानी देखने के लिए खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिल्म की ऑनलाइन टिकट भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं। इन सभी आंकड़ों को साथ में देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकल कर आता है, विवादों में रहने के कारण फिल्म की लोकप्रियता में इजाफा ही हुआ है। विवादों के बावजूद 2018 की पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है।